दुनिया भर में बेनकाब हुए पाकिस्तान से अब अंधविश्वास की भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल अब इमरान खान की पत्नी को लेकर दावा कर रहे हैं कि वो शीशे में अपना चेहरा नहीं देखती। कैपिटल टीवी के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ANI ने बताया कि कथित तौर पर बुशरा बीबी PM इमरान खान की पहली घूंघट वाली पत्नी है। वो एक विश्वास पात्र हैं और उन्होंने पिछले साल सत्ता में आने से करीब 6 महीने पहले प्रधानमंत्री इमरान खान से शादी की थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में हिस्सा लेने से पहले इमरान खान ने अपनी पत्नी के साथ उमरा किया, जिसकी तस्वीरों में वो सर से लेकर पांव तक बुरके में नजर आई थी। खबरों के मुताबिक 1 जनवरी को इमरान खान का निकाह बुशरा बीबी के साथ हुआ था। लाहौर में हुए इमरान खान के इस निकाह समारोह को बहुत ही गोपनीय रखा गया था। बुशरा बीबी के 5 बच्चे हैं और उनकी बेटियां शादीशुदा हैं। इमरान खान पर उनकी पहली पत्नी रेहान खान ने हाल ही में कश्मीर मुद्दे को लेकर निशाना साधा था। रेहान खान ने कहा था कि कश्मीर पर इमरान सरकार की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। आप कभी भैंसें बेच रहे हैं तो कभी सड़कों पर धूप में खड़े हो रहे हैं। गर्मी में पाकिस्तान की सड़कों पर खड़े होने से कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाएगा। लोग इस नौटंकी से थक चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बी को लेकर पाक चैनल ने अजीब दावा किया है कि आईने में उनका चेहरा दिखाई नहीं देता है या वो आईने में अपना चेहरा नहीं देखती हैं। वो एक अंधविश्वास को मानती है। कैपिटल टीवी ने प्रधानमंत्री निवास के स्टाफ के हवाले से ये जानकारी दी है और दुनिया भर में चर्चा का विषय बनने के बाद रविवार शाम को कैपिटल टीवी ने इस दावे को फेक बताया है।